Hello friends. <clears throat> we were discussing about uh, the three questions, and we completed uh, completed the introduction part of the part of the uh, class or this lesson. So uh, we learned that in the previous class that uh, three questions derived in the mind of a king, and he tried to get the answer, but unfortunately he didn't get the answer. So therefore he decided to go to meet a hermit that is beginning second paragraph. let's start from there. he decided instead instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. the hermit lived in a small hut in a forest which he never left. he spoke only to common folk. so the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. Isle ऐसे एक डिसीशन लिया कि एक हरमिट को मिलने जाना है हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु लिव्स अलोन इन द जंगल एक आदमी अकेला रहता है जंगल में और उनको वो बहुत फेमस है ही इज़ वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम उनकी जो बुद्धिशाली उस लिए उनकी जो ब्रिलियंस उस लिए वो बहुत फेमस है सो द हरमिट लिव्ड इन ए स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट इसलिए वो एक जंगल के अंदर एक छोटा एक हट बना के एक छोटा हट बना के पर रहता है वो छोड़ के वो कभी बाहर नहीं जाता है एंड ही स्पोक टू ओनली कॉमन फोक वो आम आदमी लोगों के साथ बात करते थे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ वो कभी बात नहीं करते सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स वो सिंपल क्लॉथ्स पहन के एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल हिज डिसउंडस एंड लेफ्ट बॉडी गार्ड बिहाइंड सिंपल क्लॉथ्स पहन के एक आदम आदमी का ड्रेस पहन के हरमिट को मिलने गया क्योंकि वो दूसरे किसी का भी साथ बात नहीं करता है और वो उनकी आ, हौस हौस को छोड़ दिया और उनकी बॉडी बॉडी गार्ड को छोड़ के अकेले ये हरमिट को मिलने गया वेन द किंग अराइव द हरमिट वॉज डिगिंग इन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिस हट ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग द हरमिट वॉज फ्रेक एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्ट्रैक हिस ग्राउंड विथ ही स्पीड ही टर्न ओवर लिट इल अर्थ ब्रीथड है जब ये किंग हेरमिट की हट के पास में आ गया वो टाइम पे हरमिट ऐसे कुछ ना कुछ डिगिंग कर रहा था कि प्लान कुछ ना कुछ प्लान रखने के लिए वो डिगिंग कर रहा था मतलब एग्रीकल्चर खेती बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था उनका हट के सामने सो जब आ, दी, राजा आ गया राजा वो हेरमिट को विश किया आ, वट एवर भी द विश वो विश यहाँ पर पता है नहीं सो so, uh, लेकिन ये वो सुना है बट ही वेन नॉट डिगिंग वो डिगिंग में डिंग कर रहा था और हर एक टाइम वो हेरमिट कैसे था ही वॉज फ्री लैंड वीक फ्रेल मीन्स ओल्ड वो बहुत ओल्ड था और वीक भी था एंड ईच टाइम ही स्ट्रैक हिस ग्राउंड विद स्पीड एंड टर्न अवर एट इल अर्थ एंड ही ब्रीथ दट है हर एक बार वो उनकी स्पेड से और डिगिंग करता था वो टाइम पर वो थोड़ा और अर्थ में बेंड होता था और उनका ब्रीथिंग बहुत हेवीली था बिकॉज इन इज एन ओल्ड एंड वीक मैन सो ही ब्रीथ एट वेरी हेवीली द किंग वेंट अप टू हिम आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू एयर आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम हु आर दो पीपल आई मोस्ट नीड एंड हु शुड आई शुड आई दर फॉर पे मोस्ट अटेंशन एंड वॉट अफेस आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड दी नीड माई फर्स्ट अटेंशन सो राजा ने उनकी उन हरमिट के पास में गया और उनका प्रॉब्लम बताया उनका जो ये थ्री क्वेश्चनस की बारे में ये हरमिट को बोला कि मेरा मन में ऐसे तीन क्वेश्चन आए हैं मैं किसके साथ आ, बात करना है और किस को मिलना है और किस को छोड़ना है और वट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर मी और uh, मैं किस किस से किसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ये सब चीज़ के थ्री क्वेश्चन के बारे में uh, वो हरमिट को बताया द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग और हरमिट राजा को सुना लेकिन कुछ ने कुछ नहीं बोला ही जस्ट स्पैट ऑन हीज हैंड एंड रस्यूम्ड डिगिंग वो थी दूर रुका और फिर भी एक खोदने के लिए शुरू किया The king watched in silence for a while. Then he, feeling sorry for the hermit, he said, "You are tired. Let me take the spade and work for a while." ये किंग ने थोड़ा देर ऑब्सर्व किया और कुछ देर कुछ बोला नहीं लेकिन हेरमिट को बहुत राजा को बहुत रिग्रेट फील हो गया सो दर फॉर उसने बोला देखो आप बहुत टायर्ड हो गया है आप थोड़ा देर आ, रस करो और आपका स्पेड मेरे हाथ में दे दो The hermit silently handed over the spade and sat down on the earth. So, the hermit was rajah and the ground. When he had dug two beds, the king stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer but rose and stretched out his hands for the spade and said, Now rest a while and let me work a bit. But the king did not give him the spade and continued to dig. तो दो बार ऐसे उसने डिग गया दो बेड उसने बनाया कि ये प्लान रखने के लिए दो बेड उसने बनाया और वहाँ पे राजा ने थोड़ा देर रुका और हरमिट को फिर भी ये सवाल पूछा वो जो टाइम पे हरमिट खड़े रहा और उनके हाथ दिखाया कि ये पेड वापस लेने के लिए लेकिन राजा ने वो दिया नहीं और फिर भी ये डिगिंग कंटिन्यू किया वन आवर पास दर द सन गैन टू सिंग बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग्स

बाइस मैन आपको तो मैंने ये इसलिए मिलने के लिए गया ये थ्री क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए अगर आपको पता नहीं तो प्लीज़ आप बताइए मैं वापस मेरा घर जाऊँगा तो वो टाइम पे एक नया न्यू पर्सन हु केम टू हर्मिट हट वो टाइम पे एक नया न्यू कैरेक्टर केम टू हर्मिट्स हट दैट वी कैन डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास